हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी इस बार 4 अक्टूबर को हमारे दोस्त पेपर देने जा रहे हैं, वो दिन आपका है। उस दिन आप अपने 100% दीजिएगा। वो 2 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों ने मेहनत अच्छी करी है और उसी हिसाब के आपके रिजल्ट आएंगे, तो उसमें बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त आज की हमारी क्लास। आज हम पढ़ेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में, जिनका September 28 को माने कि कल उनका बर्थडे था। उन्हीं के शब्दों में अगर हम बात करें, उनका एक फेमस डायलॉग है, दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। मतलब आप किसी आदमी की भले मार सकते हैं, बट उसके आइडियाज हैं वो कभी नहीं मरते, आइडिया हमेशा फॉरएवर रहते हैं। जैसे हम कहते हैं गांधी जी चले गए बट गांधीजम आज भी बरकरार है, मार्क्स चले गए बट मार्क्सिज्म आज भी बरकरार है। इसी हिसाब से हमारे भगत सिंह शहीद हो गए, लेकिन आज भी जो उनके आइडियाज हैं वो आज भी बरकरार है। और आज हम इस लेक्चर में सारी चीजें पढ़ेंगे आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या जो हमारे शहीद भगत सिंह का जो उस टाइम की सोच थी, आज क्या वो रिलेवेंट है और किस टाइप में रिलेवेंट है। आज हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें करी गई हैं जो आज भी हमारी रिलेवेंस है, और आज हमें क्यों उनकी जरूरत है, उनके आइडियाज की जरूरत है। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। सुबह 9 बजे दोस्त हमारी द हिंदू की एडिटोरियल की क्लास चलती है यूट्यूब पर, चैनल है फ्रेश फॉरकास्ट, और रात को भी 9 बजे चलती है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन पे, तो आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। और PSIR और इंडियन पॉलिटी का हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 25 सितंबर से। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं शहीद भगत सिंह के बारे में। इनका जन्म 1907 में लाहौर, जो आज पाकिस्तान है, वहां पर हुआ था। स्टार्टिंग में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई करी, जो दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल आर्य समाज चलाते थे। अब आर्य समाज क्या है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये एक मॉडर्न रिफॉर्म मूवमेंट था जो हिंदुज्म को रिफॉर्म के बारे में सिखाते थे। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसमें फ्रंट रनर थे। उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और स्टार्टिंग से ही ये बहुत ही एंटी कॉलोनियल मानते थे, एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट मानते थे भगत सिंह, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाते थे, एंटी कैपिटलिज्म चलाते थे। और शुरू से अगर हम कहें तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी के सबसे स्टॉन्च स्कॉलर थे, अगर इंडिया में उस टाइम की बात करी जाए। मार्क्सिज्म को उस टाइम पे कोई जानते ही नहीं थे, मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो सबसे पहले अगर इंडिया में कोई लाए तो वो है हमारे शहीद भगत सिंह। और इन्होंने एक नारा दिया था जो फेमस है, इनकलाब जिंदाबाद। ये प्लीज याद रखिएगा, ये जो नारा है इन्होंने पॉपुलर किया था, इन्होंने स्टार्ट नहीं दिया था, ये नारा सिर्फ इन्होंने पॉपुलर किया था। जो इस नारे के ओरिजिनल आदमी थे वो थे हमारे मौलाना हसरत मोहानी साहब, जिन्होंने 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इस नारे को पॉपुलर किया है भगत सिंह साहब ने, अपने जितनी भी स्पीचेस होती थी उनकी, उसमें कहीं ना कहीं इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोलते थे। और यही नारा उनकी जो एक पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, उसमें भी इनका यही स्लोगन था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब 1929 में भगत सिंह के साथ उनके एक एसोसिएट थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, उन दोनों ने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। उस बम को फेंकने से पहले और फेंकने के बाद भी उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, और उसका इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। अब आते हैं दोस्त हमारे दूसरी चीज पे, कि भगत सिंह का एक आपने सॉन्डर्स केस सुना होगा आपने हिस्ट्री में, तो ये हुआ क्या था। 1927 में आपको पता होगा साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था। साइमन कमीशन के बाद में एक प्रोटेस्ट चला था जिसको गो साइमन कमीशन के नाम से, जिसको लीड किया था हमारे उस टाइम के ग्रेट लीडर लाला लाजपत राय साहब ने। और इस टाइप उस जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पे एक SP साहब थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनका नाम था जेम्स स्कॉट, उन्होंने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का, और उस लाठी चार्ज में हमारे लाला लाजपत राय साहब की डेथ हो गई। उनका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके कुछ एसोसिएट शिवाराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने एक प्लान बनाया कि हमको ये जो SP साहब थे जेम्स स्कॉट, इनकी हमें हत्या करनी है। बट गलती से इन्होंने किनको मार दिया, सॉन्डर्स को मार दिया जो ASP थे। उस चक्कर में इन्हीं को फांसी भी मिली थी, लेकिन इस टाइम पे 1927 में जब ये हुआ उसके बाद ये लोग भाग गए, वहां से ये लाहौर चले गए और वहां जाकर छुप गए। लेकिन कुछ टाइम बाद इनको पकड़ लिया गया, जब इन्होंने 1929 में
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब उन्होंने बम फेंका था, इनके साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे, और किस लिए फेंका था, तब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में वहां पे चर्चा चल रही थी और उन्होंने बम फेंका और कहा कि बैरों को सुनाने के लिए हमें धमाकों की जरूरत होती है, और उस चार्ज पे इनको जेल में रखा गया और उनको जो फांसी मिली है वो मिली थी सॉन्डर्स की डेथ पर। तो प्लीज ये बात याद रखिएगा। रेड बॉम्ब्स इंडियन लेजिस्लेचर, जब उन्होंने फेंका था तब उन्होंने काफी किसी को इंजरी नहीं हुई थी, उस बम में पोटेंशियल नहीं था, सिर्फ उन्होंने एक चेताया था कि ये जो एक्ट आप पास कर रहे हो ये गलत है, ये एंटी इंडिया है, ये एंटी इंडिया लोगों के खिलाफ है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे किया था। फिर जब ये जेल में चले गए, जेल में उस टाइम का अगर 1920s का सबसे बड़ा इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, करीब 116 दिन ये लोग हंगर स्ट्राइक करते रहे वहां के जेल में। इन्होंने देखा कि जो व्हाइट लोग हैं, जो ब्रिटिशर लोग हैं, उनके लिए एक प्रिविलेज है, उनको न्यूज़पेपर मिलता है, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना मिलता है, वहीं जो इंडियंस हैं उनको काफी अनहाइजेनिक कंडीशन में रखा जाता है और अनहाइजेनिक उनको ट्रीट किया जाता है। और उसी में एक हमारे एक और ग्रेट पैट्रियट थे जतिन दास, उन्होंने कंटिन्यू 63 डेज तक हंगर किया और उनकी उस चक्कर में मौत हो गई, वो भी शहीद हो गए थे 13 सितंबर 1929। टोटल 116 दिन का ये अनशन था जिसमें से 63 डेज बाद जतिन दास हमारे मैट्रियट्स को शहीद हो गए वो। उसके बाद हमारा अगर देखा जाए कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे शहीद भगत सिंह एसोसिएट थे, तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बोला उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई है 1926 में, सेकंड उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928, इनमें इनके एसोसिएट थे चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव थापर। इसके बाद जो मेन चीज आती है आइडियोलॉजी। आज की डेट में कई लोग रिलेवेंस ढूंढते हैं कि हमारे भगत सिंह का आज की डेट में क्या रिलेवेंस है उनकी आइडियोलॉजी का, लेकिन उनकी 1920s की जो आइडियोलॉजी है आज अगर वो इंप्लीमेंट हो जाए तो आज हमारा देश कुछ से कुछ हो जाएगा। उनका विजन था क्लासलेस सोसाइटी का, उन्होंने कहा कि चाहे ब्रिटिशर हमको एक्सप्लॉइट करे या कोई पूंजीवादी कैपिटलिस्ट करे या कोई इंडियंस करे, कोई भी करे, ऐसा करना मतलब हम कहीं ना कहीं गुलाम है, हम किसी ना किसी के अंदर गुलाम है, उनका यह हमेशा मानना था। उन्होंने एक लास्ट मैसेज दिया था अपने प्रेजेंस से 1931 में, उनका आप सुनिएगा उनकी वर्डिंग, द स्ट्रगल इन इंडिया वुड कंटिन्यू सो लॉन्ग एज अ हैंडफुल ऑफ एक्सप्लोइटर्स गो ऑन एक्सप्लोइटिंग द लेबर ऑफ द कॉमन पीपल फॉर देयर ओन एंड्स, कि जब तक आम आदमी को कोई अपने उद्देश्य के लिए एक्सप्लोइट करेगा तब तक हम किसी ना किसी के गुलाम है, चाहे वो ब्रिटिशर हो या वो इंडियन हो। तो हमें इस क्लासलेस सोसाइटी से ऊपर उठना है, जिसका मतलब आज हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, वही उनका विजन 1920s में था। दूसरा उनका एक और जो उनकी बात थी कास्ट को लेके और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को लेके, उन्होंने ये बहुत बोला कि आज भी अगर हम 20th century में अगर हम कास्ट की और ये सारी बातें कर रहे हैं तो एक शेम की बात है कि हम बोलते हैं कि अपर कास्ट लोअर कास्ट का पानी नहीं पिएगा, टेम्पल में नहीं जाएंगे, क्या भगवान गुस्सा हो जाएंगे क्या अगर लोअर क्लास का आदमी अगर भगवान के पास चला जाएगा। उन्होंने ये सब चीजें कही कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो आज हमें गुलाम कर रहे वो इन सब चीजों से उड़ गई है और आज भी हम उसी चीज पे हैं, इसलिए हम शायद उनके गुलाम हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात करी है, आज भी अगर हम देखते हैं हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1989, SC ST एक्ट, हमारे यहाँ आज भी इतने भटेर एक्ट है SC ST एक्ट के, जहां आज हम कास्ट के बेस पर रिलीजियस के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये एक 20th century में अगर हम इस चीज का मैटर उठाते हैं तो ये एक शेम की बात है, ये उस टाइम पे 1928 में भगत सिंह ने कही थी। तीसरी बात उन्होंने कहा है, जो उन्होंने एक बुक लिखी थी, लोग बुक कहते हैं लेकिन वो एक आर्टिकल था, मैं कहूं कि एक ऐसे था, उस ऐसे का नाम था Why I am an Atheist। उन्होंने कहा था कि मैं क्यों एक एथिस्ट हूं, उन्होंने बोला था कि आप हर जगह एक क्रिटिकल थिंकिंग लाइए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग लाइए, इनोवेटिव थिंकिंग लाइए, अगर हमें और हमारे देश को आगे बढ़ना है। आप हर रिलीजियस बिलीव या हर चीज से के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, वाई, क्यों आप भगवान को मान रहे हैं, क्यों आप एक रिलीजन को मान रहे हैं, क्यों आप सुपरस्टिशियस को मान रहे हैं, आप एक काला जादू और इन सब चीजों से उठिए, रिलीजन से, बंधनों से उठिए और आप वो चीज सोचिए जो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दिलाती है। अगर कोई भी रिलीजन कोई गलत चीज करता है, सती प्रथा अगर हिंदू में है तो हिंदू रिलीजन खराब नहीं है लेकिन उसका जो कस्टम है वो खराब है।
अगर ट्रिपल तलाक अगर कई कुछ उसके प्रोविजन अगर खराब है तो ट्रिपल तलाक में इस्लाम या मुस्लिम रिलीजन को कोई क्रिटिसाइज ना करे, वो एक प्रथा, एक ट्रेडिशन, एक कस्टम है, उसको आप कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करिए। तो आप किसी एक रिलीजन से मत जुड़िए, आप रिलीजन से ऊपर उठिए और जो भी चीज उससे क्वेश्चन पूछिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ज्यूज हो, आप हर में एक क्वेश्चनिंग करिए, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखिए। आप कहीं भी किसी रिलीजन के बॉन्डेज में, किसी सुपरस्टिशियस के बॉन्डेज में मत पड़िए। इसलिए उन्होंने लिखा था व्हाई आई एम एन एथिस्ट, क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि एक इंसान में एक क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। चौथी बात उन्होंने कहा था भाईचारा। आज जो हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वधर्म संभव की बात करते हैं, लेकिन आज क्या ऐसा है, आज भी हम रिच पुअर, ब्लैक व्हाइट, सिविलाइज अनसिविलाइज, फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, इन सब के चक्करों में फंसे हुए हैं। जब तक हम समाज में इक्वलिटी और इक्विटी नहीं लाएंगे, और जो ये ऐसा कर रहे हैं, जो ये अनडिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की इनइक्वलिटी हो, चाहे वो इनकम की इनइक्वलिटी हो या सोशल की इनइक्वलिटी हो, उनको हमें पनिश करना है, तभी हम ऐसे वर्ल्ड में जा सकेंगे जिस वर्ल्ड को हम स्वामी विवेकानंद साहब ने वसुदेव कुटुंबकम कहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की 1920s में, जब जरूरत थी देश को उस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से बाहर निकलने की। उनका एक व्यूज को काफी क्रिटिसिज्म किया जाता है एनार्किस्ट की, भगत सिंह एनार्की को मानते थे। एनार्की का सिंपल सा मतलब होता है दोस एब्सेंस ऑफ रूल, कि हमें किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं, हमें किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ गवर्नर हो, सेल्फ गवर्न हो सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में इसको गलत बहुत लोग मानते हैं कि एब्सेंस ऑफ रूल कहीं ना कहीं एनार्की पैदा कर देती है, इसलिए एनार्की को आज नेगेटिव सेंस में कई लोग मानते हैं कि भैया अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई अगर हमारी अथॉरिटी नहीं रहेगी, तो हमें कौन रूल और कौन हमें ऑर्डर में लाएगा। लेकिन भगत सिंह का यहां कहना था कि हमें अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं है, हमें खुद से भी हम सेल्फ गवर्न हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें कोई सपोर्ट करे, हमें कोई स्टेट मिले, हम एक स्टेटलेस सोसाइटी को भी बना सकते हैं। इनकी बहुत अच्छी सोच है, अगर आज ही अगर ये कोई कह देगा तो उसे किसी ना किसी एक्ट के अंदर में जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि हमें जरूरत है स्टेटलेस सोसाइटी की। उन्होंने कहा कि जो भी गवर्नमेंट अगर जनता के विशेष के खिलाफ अगर कोई काम करती है तो ऐसा रूल डेस्पोटिक रूल है, ऐसे रूल को उखाड़ देना चाहिए। ऐसा रूल कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी, हमारे रूल ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं कम कर रहा है, और ये हमारा जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, ये विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छाओं के अनिरुद्ध है, विरोध है। तो इस चीजों को उन्होंने उस टाइम पे कहा था, किसके कंटेक्स्ट में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में, और आज भी ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है। अब कुछ फेमस कोट्स हैं भगत सिंह के, जो आप अपने ऐसे में या मेंस के आंसर में कहीं भी लिख सकते हैं। जो मैंने सबसे पहले आपको बोला था, दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। सेकंड उन्होंने बोला था, जब उन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, बॉम्ब्स एंड पिस्टल डू नॉट मेक अ रिवोल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन इज शार्प ऑन द वेटिंग स्टोन्स ऑफ आइडिया। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो आज टेररिज्म या नक्सलिज्म जो चल रहा है, बम और पिस्तौलों से क्रांति नहीं लाई जा सकती। क्रांति अगर लानी है तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल पिलर है वो आपके पास आइडिया होना चाहिए, और आइडिया आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तीसरा, बट मेयर फेथ एंड ब्लाइंड फेथ इज डेंजरस, इट डल्स द ब्रेन एंड मेक्स द मेन रिएक्शनरी। उन्होंने बोला किसी पे भी आप अंधविश्वास मत करिए, हर चीज में आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर आप किसी को भी ब्लाइंड फेथली बिलीव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। चौथा उन्होंने कहा था, रेवोल्यूशन इज एन इनएलिनेबल राइट ऑफ मेनकाइंड, फ्रीडम इज एन इम्पेरिशेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल, लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कहा था क्रांति एक हमारा बेसिक अधिकार है और हम सबको वो क्रांति चाहिए है। उन्होंने कहा आजादी, आजादी सबका अधिकार है, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन्होंने भी यही कहा था, लाल बाल पाल ने। और कहीं ना कहीं जो लेबर है वो एक मेन है हमारी सोसाइटी का पार्ट, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एट द एंड जो भगत सिंह का एक और बहुत फेमस कोट है, द सैंक्टिटी ऑफ लॉ कैन बी मेंटेन ओनली सो लॉन्ग एज इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। कोई भी कानून की जो उसकी पवित्रता या उसकी विश्वास तभी तक रहेगा जब तक वहां के लोगों की इच्छा रहेगी। आप बिना कोई भी कानून अगर बनाते हैं लोगों के बिना पूछे या लोगों की अपोज, तो उस लॉ की सैंक्टिटी वहीं खत्म हो जाती है, जो आज के कंटेक्स्ट में हम बहुत ज्यादा आप एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। तो दोस्त, ये था हमारा आज का ये वीडियो पूरा भगत सिंह में। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से एडवांटेज मिला होगा, जो चीज आप जानते होंगे उससे अलावा कुछ ना कुछ आपको एडिशनल मिला होगा।
आपको मेरा काम कैसा लग रहा है? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो दोस्त लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये जो बेल का जो आइकन होता है वो जरूर दबा दीजिएगा। और आपको कोई भी नया वीडियो चाहिए है जिस पे आपको चर्चा की जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पे जरूर कोई एक अच्छा सा वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।